आघोषित सबसे बड़े लॉकडाउन की तीसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। वैसे ही जनता कर्फ्यू को सफल बनाने वाली जनता अंगरक्षक और भी जागरूक हो चुकी है। कुछ इसी तरह की ताजा तस्वीर देखने को मिली कानपुर में, जहां प्रखंड नौबस्ता कमेटी के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस जागरूकता अभियान के तहत टीम के जिम्मेवारों ने कोरोना वायरस से खुद का बचाव करते हुए गली मोहल्ले का भ्रमण किया और लाउड स्पीकर से बचाव के टिप्स दिए। इस दौरान टीम हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव ने संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जागरूकता के विषय पर बातचीत की। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर की बात करते तो मोदी सरकार ने प्रदेश में पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना वायरस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पुलिस चेकिंग भी कर रही है और कई जगह पर माहौल शांति का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कर रही कुछ जगह जहां पर हर जगह पर सन्नाटा नज़र आ रहा है और हवाएं भी थे, कुछ लोग भी मौजूद हैं सिविल डिफेंस के जो कि पुलिस का बराबर साथ दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का यहाँ कर रही रोड पे माहौल दिखाई दे रहा है। आखिर जी किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको? इस समय तो पूरा कर्फ्यू ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है, हालांकि कुछ लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनके समझाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि लोग मान जाएं, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो स्वयं भी नुकसान कर रहे हैं और देश की जनता का नुकसान तो साथ में करेंगे ही करेंगे। बताते हैं कहीं ना कहीं माहौल जो देखा है उसको पब्लिक और झंडा लगा कर साथ दे रही है, तो देखते हैं कि देश का तारीख अभी तक 14 अप्रैल तक हो गई है, तो देखते हैं जगह का नज़ारा जहाँ पर पूरा रोड सन्नाटा नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि पब्लिक को भी मालूम हो गया है कि हर जगह पर बराबर चेकिंग चल रही है, तो इस वक्त जो देखते हैं सिविल डिफेंस के काफ़ी लोग खड़े हैं और पुलिस बराबर लगी हुई है, जनता को समझा रही है कि आप लोग घर से ना निकलिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग मान भी गए हैं। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।